इस खबर के प्रायोजक हैं आत्मप्रकाश आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय अरसदपुर जंगीपुर गाजीपुर। विद्यालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, बिजली विभाग का बड़ा घोटाला। जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर यूपी की योगी सरकार, विद्युत को लेकर सभी बहुत ही संजीदा नजर आते हैं और दोनों ही सरकारों की पहली प्राथमिकता में विद्युत आती है। सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाकर लोगों को फायदा भी पहुंचा रही है, लेकिन सरकार चाहे लाख सख्ती कर ले, विभाग के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला फतेहपुर के विद्युत भंडार केंद्र का है, जहां जूनियर इंजीनियर अविनाश यादव ने बाकायदा लिखकर विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। फतेहपुर के विद्युत भंडार केंद्र से ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए किसानों को ट्रांसफार्मर, खंभे, बिजली के तार समेत कई सामान दिए जाते हैं, जिसकी फीस बाकायदा जमा भी होती है। लेकिन शिकायतकर्ता जूनियर इंजीनियर की माने तो क्षेत्र में करीब 7 लाख का सामान फर्जी दस्तखत और फर्जी पत्रांक के जरिए ठेकेदार से मिलकर हजम कर लिया गया। वहीं दस्तावेजों में साफ तौर पर जय ने लिखा है कि अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता के दस्तखतों को फर्जी बताया गया है। वहीं जेई कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतराता रहा, लेकिन जेई के लिखित में दी गई शिकायत ने विभाग में मौजूदा भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। हमारे हाथ लगे दस्तावेजों में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आखिर किस तरह से विभाग का लूट का कारोबार चल रहा है और फरियादी सैकड़ों चक्कर काटने के बाद भी सामान के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं जब विभाग के जिम्मेदारों से बात की गई तो सभी एक दूसरे के ऊपर टोपी रखने का काम करते दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या ऐसे कुव्यवस्था में योगी सरकार किसानों की आय को दुगना करने का ख्वाब देख रही है, वो सच भी होगा या नहीं? कहाँ आए हैं? इसमें क्या कहते हैं, स्टोर में। कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ 2500 बार आ चुके। क्या बताते हैं? कहीं कहते हैं आज मिलेगा, कहते हैं कुछ आज ले लो, कुछ फिर ले लो, यही बात कहते हैं। कितनी बार कौन कौन सा सामान मिला है आपको? हमको तो अभी 2 पोल मिले। क्या क्या मिलना बाकी है? तार बाकी है, ट्रांसफार्मर बाकी है, डिश वगैरह बाकी है, चैनल बाकी है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई। आज भी 2011-12 तक किसान का पैसा जमा है और उसको सामान आज तक नहीं। उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ ये कारण है कि ये सामान वहाँ से भेजते नहीं। जब मैंने पैसा जमा किया, मेरे पैसे के अगेंस्ट में आप सामान देते हो, तो 3 महीने में मेरा सामान मिल जाना चाहिए। लेकिन साइनों से यहाँ सामान निकल जा रहा है, तो किसान को कहाँ से मिलेगा सामान? ये तो पूरा बहुत बड़ा अपराध है। अगर जेई का हस्ताक्षर नहीं है और जेई का फर्जी हस्ताक्षर, एसडीओ का हस्ताक्षर फर्जी, एक्सियन का फर्जी हस्ताक्षर, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस में ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जितना अविनाश यादव ने ये जो शिकायत किया है यहाँ पे, हमारे यहाँ पत्र आया था मेरे पास, मेरे संज्ञान में आया। बाद में मैंने स्टोर कीपर को भी बैठाया और अविनाश यादव से पूछा ये क्या मामला है, जरा से इसको देख के बताओ। इंडेंट उनसे, अविनाश यादव के पहले जो जेई थे उन्होंने लगाया था, वो कहे हमको संज्ञान में नहीं है ये किसका इंडेंट लगा था और कब सामान किसको दिया गया। बाद में वो जानकारी की है तो क्षेत्र में ट्यूबवेल चल रहे हैं, वो सामान क्षेत्र में लगे हुए हैं साइडों पे, उन्होंने इन्वाइस ले जा करके फिर कर दिया उसको, जेई ने इन्वाइस कर दिया उसको। तो फिर कंप्लेन उन्होंने क्यों किया? कंप्लेन पहले किया तो हो सकता जानकारी ना रही हो उनको, इसीलिए किए होंगे। हमारे पास ये दिए थे इसको जांच कराने के लिए, इसको दिखा लीजिए साहब कौन की कंप्लेन गलत है तो जेई के खिलाफ भी एक अपराध बनता है। जेई ने नहीं तो आप जैसे सक्षम अधिकारी का समय पर बात किया। अगर जेई ने लिख के दिया, मान लीजिए उसको शंका है कहीं पे, लिख के दे रहा है, तो हमारा शंका का समाधान करना मेरा काम है ना, कि शंका समाधान करूँ उसको, शंका का समाधान हो गया बाद में अपना इन्वाइस ले जाकर साइन कर। जेई है, उन्होंने विभाग के ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी के बिना उनके क्षेत्र में लाखों का सामान दे दिया गया। क्या मामला है? इस संज्ञान में मेरे आया था एक जो है PTW का कनेक्शन के बारे में इन्होंने कहा है, तो इसके लिए मैंने इसने ये कहा कि जो वर्तमान में जेई है वो वहाँ पे चेक करके ये बताए कि वहाँ पे सामान लगा है कि नहीं लगा है। अगर वो लगा है सामान और यहाँ से स्टोर से नहीं इशू हुआ है तो वो फर्जी सामान है, पहले तो उसकी FIR कराई जाए और उसके बाद जांच करके जो रिपोर्ट है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।